पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिनेमा के ऊपर, उसके बाद क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इस वीडियो में अब बात करेंगे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेंटिंग। ये बस इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जब आप फिल्म मेकिंग करेंगे उस टाइम भी ये बहुत काम में आएगा। क्यों काम में आएगा? जैसे पेंटिंग क्या है, पेंटिंग में इवेंट्स, एक्टिविटीज़ जो बिलीव्स इमोशन सब कुछ पोर्ट्रे होता है पेंटिंग के ज़रिए। डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर पेंटिंग से स्टोरी लेता है या स्टोरी आ जाता है। अगर आप सिनेमाटोग्राफर होंगे, सिनेमाटोग्राफर पेंटिंग से जो कंपोजिशन के लिए पेंटिंग देखता है या लाइटिंग के लिए पेंटिंग का रेफर करते हैं। जैसे लाइटिंग आपका रेमब्रांट लाइटिंग, कियारोस्क्यूरा लाइटिंग, ये सब लाइटिंग के लिए एक सिनेमाटोग्राफर हमेशा पेंटिंग को रेफर करते हैं या पेंटिंग से उनका ये इंस्पिरेशन मिलता है। एज सिमिलरली जो आर्ट डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिजाइनर जो है वो पेंटिंग से, मतलब पेंटिंग इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कुछ 200 साल पहले ही कैमरा का इन्वेंशन हुआ था, उसके पहले सब कुछ पेंटिंग के ज़रिए मतलब पोर्ट्रेट होता था या हम जानते हैं उसके बारे में पेंटिंग के थ्रू। उस टाइम का कपड़े कैसे था, उस टाइम का जो स्ट्रक्चर कैसे था, ये सब चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। उस टाइम लोग क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलता है पेंटिंग के थ्रू। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म इज़ पेंटिंग। कैमरा या सिनेमा तो बहुत बाद में आया। तो डायरेक्टर के लिए क्या पेंटिंग इम्पॉर्टेंट है, सिनेमाटोग्राफर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आर्ट डायरेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन डिजाइनर जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, इसके बाद जब आप एक एडमिशन हो जाएगा आपका फिल्म स्कूल में, तो वहाँ पे भी सिलेबस में ये पेंटिंग बहुत अच्छे से और बहुत डीपली सिखाया जाता है। उसके बाद अगर आप मूवी बनाएंगे, पीरियड फिल्म मान लीजिए एक एग्जांपल, पीरियड फिल्म का एग्जांपल जोधा अकबर या मोहनजोदड़ो, तो ये सब मूवी का उस टाइम में कैसे वो लोग कपड़े पहनते थे, तो ये सब कहाँ से पता चलता है, पेंटिंग से ही पता चलता है। इसलिए पेंटिंग देखना या पेंटिंग के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पुराना जो पेंटिंग का रेफरेंस मिलता है हमें, वो है इंडोनेशिया में एक पेंटिंग मिला था जिसका है 50,000 ईयर्स है जिसका एज। इंडिया में अगर पेंटिंग का बात करें, इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, तो इंडिया में सबसे पुराना जो रेफरेंस मिला है वो है भीमबेधका पेंटिंग। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार कि सबसे ज़्यादा पुराना जो पेंटिंग है वो कहाँ पे मिला था इंडोनेशिया में, इंडिया में सबसे पुराना पेंटिंग क्या है, या वो है भीमबेधका पेंटिंग, वो कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। बेसिकली ये रॉक आर्ट या केव पेंटिंग। तो क्वेश्चन में ये आएगा, सबसे पुराना इंडिया का पेंटिंग क्या है भीमबेध का, वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन भी आया था कि अच्छा इसका एज है 10,000 ईयर्स का, मतलब ओल्ड है, 10,000 ईयर्स ओल्ड, और इसको यूनेस्को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। वर्ल्ड हेरिट
हेरिटेज साइट घोषित किया। तो ये सारे क्वेश्चन पेंटिंग जो हिस्ट्री है वहाँ से आता है। पहला तो भीमबेटका, सेकेंड हो गया आपको पता है ये मैं दोबारा ये सब कर रहा हूँ ताकि आपको एक रिविजन हो जाए। अजंता एंड इलोरा, ये दोनों ही कहाँ पे है? दोनों ही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो यह से क्वेश्चन आते हैं, अजंता पेंटिंग में सबसे पुराना सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का पेंटिंग है जो अभी भी मतलब बने हुए हैं, अभी भी उसका जो ग्लो है वो अभी भी बना हुआ है, उसका जो कलर है वो अभी भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व हुआ है वहाँ पे। और अजंता में जो पेंटिंग मिलता है वो बेसिकली मिलता है गौतम बुद्ध के ऊपर, गौतम बुद्ध जो फेमस है बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि पद्मा पानी बोधिसत्व पद्मपाणि। और ये किसने बनाया था, मतलब किस राजा के टाइम में ये बनाया गया था, ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अजंता और इलोरा ये देखना चाहिए, याद रखना चाहिए, आ सकते हैं क्वेश्चन में। सतवाहना मतलब ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सतवाहना एंड वाका टाका अजंता। और इसमें पेंटिंग के जो टेक्निक है वो फ्रेस्को टेक्निक एम्प्लॉय किया गया था, नेचुरल डाई यूज़ किया था, तो ये सब तो आता है। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट इसको घोषित किया था 1983 में। और इसके बाद यहाँ पे जो कलर यूज़ हुआ था बहुत लाइट कलर यूज़ हुआ था, और नेचुरल डाई मतलब ऑर्गेनिक कलर, बेसिकली नेचुरल डाई मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कलर यूज़ हुआ था। यह है अजंता पेंटिंग। इलोरा पेंटिंग थोड़े बाद में आता है, और इलोरा पेंटिंग लगभग शायद ये नहीं देंगे, मतलब कौन से टाइम में ये बनाया गया था, 600 से 1000 साल में, 600 से 1000 साल के बीच में ये बनाया गया था। और ये बनाया था राष्ट्रकूट एंड यादव। अगर ऑप्शन राष्ट्रकूट रहे तो राष्ट्रकूट रहेगा, और ऑप्शन भाकाटका रहेगा तो भाकाटका अजंता के लिए सही होगा। और अजंता में जैसे जनरली बुद्ध पेंटिंग दिखा जाता है या गौतम बुद्ध के ऊपर दिखाया जाता है, इलोरा में बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों का ही स्कल्पचर पेंटिंग है वो देखा जाता है। यह हो गया आपका जो इंडियन जो हिस्ट्री है, मतलब सबसे पुराना जो पेंटिंग है इंडिया का वो है अजंता, इलोरा, भीमबेटका। इसके बाद आएगा इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। अगर कोई भी चीज़ मैं गलती कर दूँ बताने में, इन्फॉर्मेशन देने में, तो आप प्लीज़ अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि जो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सही आंसर मिल जाए, और आगे से मैं भी ध्यान रखूँ उसके बारे में। अभी आते हैं इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट।